प्रभात, मैं आकृति भारद्वाज केंद्रीय विद्यालय की छात्रा मंथन की कवि गोष्ठी में सभी बाल कवियों कवियों और श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कविता लिखी प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है माता पिता का सम्मान। नन्हे फूलों को जो लहू से सींचे वो बागबा है, नन्हे फूलों को जो लहू से सींचे वो बागबा है, धरती अगर माँ है तो पिता आसमां है। माँ की ममता है सबसे प्यारी, सारे जग में सबसे न्यारी, प्यार का मोह सिखाने वाली, सबके दिल को भाने वाली। पिता का प्यार भी अनोखा, सारे जीवन को उमंगों से भरता, हाथ पकड़कर चलना सिखाया, जीने की नई राह दिखाए। माँ बाप का साथ कभी ना छोड़ना, उनका दिल भूल कर भी कभी ना तोड़ना, उनका दिल भूल कर भी कभी ना तोड़ना। बहुत कुछ सहकर तुम्हें पाला पढ़ाया है, अपने पैरों पर तुम्हें खड़ा कराया है। माँ बाप का साथ कभी ना छोड़ना, उनका दिल भूल कर भी कभी ना तोड़ना, उनका दिल भूल कर भी कभी ना तोड़ना। माँ बाप से बढ़कर इस जग में कोई दयावान नहीं, चुका पाए कोई उनका कर्ज, चुका पाए कोई उनका कर्ज, इतना बड़ा इस जग में कोई धनवान नहीं, इतना बड़ा इस जग में कोई धनवान नहीं। हमारा सास, हमारी हिम्मत, हमारी पहचान है माता पिता, हमारी पूजा, हमारी हिम्मत, हमारी पहचान है माता पिता। माता पिता का साथ कभी ना छोड़ना, उनका दिल भूल कर भी कभी ना तोड़ना, उनका दिल भूल कर भी कभी ना तोड़ना। माँ बाप के कंधों पर बैठ कर देखे थे खूब मेले, माँ बाप के कंधों पर बैठ कर देखे थे खूब मेले, तो फिर आज क्यों, तो फिर आज क्यों उन्हें छोड़ रहे हो अकेले। स्वयं भूखे रहकर तुम्हें खाना खिलाया, गीले बिस्तर पर सोकर तुम्हें सूखे बिस्तर पर लटाया। माँ बाप का साथ कभी ना छोड़ना, उनका दिल भूल कर भी कभी ना तोड़ना, उनका दिल भूल कर भी कभी ना तोड़ना। एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, मंदिर बनाना मस्जिद बनाना, मंदिर बनाना मस्जिद बनाना, गुरुद्वारा बनाना चर्च बनाना, लेकिन कभी वृद्ध आश्रम मत बनाना। अपने माँ बाप को हमेशा दिल से लगा कर रखना, अपने माँ बाप को हमेशा दिल से लगा कर रखना, अपने माँ बाप को हमेशा दिल से लगा कर रखना। माँ बाप को जो ठुकराएगा दर दर की ठोकर खाएगा, माँ बाप को जो ठुकराएगा दर दर की ठोकर खाएगा। धन्यवाद।